अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों को अल्नाफे लिनक्स डाउनलोड करते हुए मसला आ रहा है कि भाई इसको किस तरह डाउनलोड करें, क्योंकि अल्नाफे लिनक्स जो है मेगा पे पड़ी हुई है और मेगा जो है फ्री यूज़र्स को एक दिन में इतनी बड़ी फाइल डाउनलोड करने नहीं देते। तो ऐसा क्या तरीका इख्तियार किया जाए, क्या क्या किया जाए कि अल्नाफे लिनक्स जो है ना हमारे पास डाउनलोड हो जाए। तो हम गूगल में लिख लेते हैं अल्नाफे लिनक्स, और ये पहला जो लिंक है इसी पे क्लिक कर लेते हैं और नीचे आ जाएंगे और डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर लेंगे। हमारे पास ये मेगा का पेज खुल गया जहाँ पे अल्नाफे लिनक्स की फाइल पड़ी हुई है। तो ये तकरीबन 20 GB से ऊपर है, ठीक है। तो इतनी बड़ी फाइल एक दिन में जो है ना मेगा आपको डाउनलोड नहीं करने देता। और अगर आप यहाँ पर इसको डाउनलोडिंग पे लगाते हैं तो जब आप ये ब्राउज़र बंद करेंगे तो ये डाउनलोडिंग भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है, तो इसके लिए आप जो है ना ये मेगा की डेस्कटॉप ऐप है ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट इस पर क्लिक करें और ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। मैं इस फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, लिहाजा मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ, ओके, और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और फिनिश, और ये साथ में इसको मैंने रन भी कर दिया है, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए अकाउंट का होना आपके पास ज़रूरी है, जो कि फ्री में बन सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन पे क्लिक करें, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म जो है आप फिल कर लें, आपका अकाउंट फ्री में बन जाएगा। खैर, मेरे पास अकाउंट है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, और पासवर्ड दे देता हूँ लॉगिन। थोड़ा टाइम लेगा और ये मेरे पास लॉगिन हो गया। इसको मैं स्किप कर देता हूँ और वापस ये मुझे शो कर रहा है कि भाई ये सेटअप हो गया इसका और ये रन कर रहा है। और मैं वापस आकर ये इसी डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। डाउनलोड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन मुझे ये डाउनलोडिंग नहीं चाहिए, ठीक है। और एक ये जो डाउनलोडर है ये भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूज़ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं पाथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं नाफे लिनक्स का फोल्डर बनाकर वहाँ पे ये डाउनलोड को डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड करने के लिए मुझे ओके पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो मुझे नहीं चाहिए, मैं डाउनलोडर से जो है ना ये डाउनलोड कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ पर डाउनलोड होगी। मेगा जो है फ्री यूज़र को हर 3 GB डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा उसको ब्रेक लगाता है, थोड़ी सी ब्रेक लगेगी आपकी डाउनलोडिंग को। 3 GB डाउनलोड करने के बाद तकरीबन ब्रेक जो लगती है 1 घंटे की या 2 घंटे की ब्रेक लगती है। उसके बाद दोबारा जहाँ पर ब्रेक लगी है वहीं से जो है ना दोबारा स्टार्ट होगा, और आपकी नाफे लिनक्स डिपेंड करेगी आपके नेट के ऊपर, एक दिन में डाउनलोड हो जाएगी, 2 दिन में डाउनलोड हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। जजाकल्ला।